हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दसवीं पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल के अंदर आपने बिल्कुल सही देखा और अब स्क्रीन पर भी वो सही देख रहे हैं। एमपी सब इंजीनियर 2022 का कट ऑफ कितना जाएगा, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा, ठीक है। इस पर आपके बहुत सारे सवाल आ रहे थे। बस इससे पहले मैंने सब इंजीनियर के जितने भी टॉपिक बनते हैं उस पर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। सो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि 2022 के अंदर अगर आप एमपी सब इंजीनियर 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये एनालिसिस होगा विद प्रूफ के साथ, मतलब जो मैं डाटा लूंगा वो होगा प्रीवियस ईयर के बेस पर और साथ में जो प्रीवियस ईयर चीजें हुई हैं आज तक उनके बेस पर ये एनालिसिस होगा। एक बात मैं और बता दूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये बात आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये इसके अंदर अभी चूंकि कट ऑफ किन चीजों पर डिपेंड करता है उसके हिसाब से मैं कट ऑफ डिसाइड करूंगा। ऐसा नहीं कि एकदम रिजिड कट ऑफ आप मान ली कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इससे 5-10 नंबर आगे या 5-10 नंबर पीछे हो सकती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्टार्ट करता हूं मैं एनालिसिस, ओके स्टार्ट करता हूं मैं एनालिसिस आज का। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि माय डियर, अगर आप एमपी सब इंजीनियर की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी आने वाली है, तो आपको इसके लिए और अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए हमारा एक कंप्लीट टारगेट बैच चल रहा है जिसके अंदर आज मतलब 26 दिसंबर को रात के 12 बजे तक ये जो ऑफर है हमारा क्रिसमस ऑफर चल रहा है, ठीक है। इससे आप वाकिफ भी होंगे, जो लोग नहीं वाकिफ वो देख ले, हमारा क्रिसमस ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस क्रिसमस ऑफर के अंदर आप ले सकते हैं इसके अंदर भारी डिस्काउंट, मतलब लगभग 20-30% का डिस्काउंट है, आपको 30% डिस्काउंट है जिसे आप ले सकते हैं, ओके। और इसके अंदर इस डिस्काउंट में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कंप्लीट टेक्निकल के वीडियोज लेक्चर हो, चाहे आपके नॉन टेक के वीडियो लेक्चर हो या टेस्ट सीरीज हो, ई बुक हो, सारी चीजें इस बैच के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके ये कंप्लीट अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ में हमारे बहुत सारी चीजें हम इसके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता की कंप्लीट क्वेश्चन की भी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, यूथ कंपटीशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा देते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर तो करवा ही रहे। तो जितनी चीजें हमने बोल रखा है यूट्यूब के अंदर वो सारी चीजें प्रॉपर वे में चल रही है। क्लासेस की बात आती है कि सर क्लासेस कैसी होती है, तो सारी क्लासेस लाइव होती हैं। कहाँ पे होती हैं? एप्लीकेशन के अंदर। ये एप्लीकेशन कौन सा है? द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। कहाँ पे मिलेगा? गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पर इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है वो सारा कुछ आपको टारगेट बैच के टारगेट बैच में द सिविल पॉइंट एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ओके। एक इन्फॉर्मेशन थी, अब चलते हैं आज की क्लास पर। आज की क्लास है हमारी कट ऑफ एनालिसिस पर, ठीक है। किसके अंदर? कट ऑफ एनालिसिस के अंदर की हमें हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है सब इंजीनियर के लिए। सर आपने डिटेल एनालिसिस तो बड़ा अच्छा समझाया है, आपके ये रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा क्योंकि आपके रिस्पांस कहते हैं सर आपने एनालिसिस तो बहुत शानदार कर दी है, अब ये समझा दीजिए थोड़ा सा कि कट ऑफ कितना जाएगा, ताकि हम उसे निशाना बनाकर, ठीक है, उसे अर्जुन की तरह मछली की आंख बनाकर हम तैयारी करना शुरू कर दें, ये बस समझा दीजिए। तो आज एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक एक्सपेक्टेड एनालिसिस लाया हूं, और एनालिसिस लाया कैसा हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहले ये समझे कि 2022 का कट ऑफ कितना जाएगा, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इससे पहले जब पेपर हुआ था, मतलब 2020 के अंदर, तो इसके अंदर कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलते हैं, तो आज मैंने ऑफिशियल कट ऑफ पेज ही ओपन कर रखा है, ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। ये परीक्षा परिणाम रिजल्ट है, ठीक है, देख सकते हैं आप ये कब 2020 के अंदर जो भर्ती आई थी उसका ये एक्सपेक्टेड, आपका एक्सपेक्टेड नहीं, ये कंफर्म रिजल्ट था, ठीक है। आप लोग जानते हैं पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसकी परीक्षा तिथि 9 दिसंबर थी, 9 दिसंबर को दो शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ है। पेपर चाहिए तो आपको द सिविल पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा। परीक्षा की जो परिणाम मतलब रिजल्ट आया 12 फरवरी 2021 को, ज्यादा दिन दिया नहीं था वैसे, देख सकते हैं ना, दिसंबर में पेपर हुआ, जनवरी और फरवरी एक महीने यानी कि 2 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया आपका। तो अगर इस बार भी ऐसा होता है तो अप्रैल के अंदर आपका पेपर, मई मान लीजिए और जून मान लीजिए, मतलब जुलाई तक में आपका रिजल्ट, जुलाई फर्स्ट वीक या जून के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग इसी मतलब 2022 के अंदर ज्वाइनिंग तो हो ही जानी चाहिए। ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ज्वाइनिंग हो जाएगी 2022 के अंदर। तो आपको अपकमर कस देनी, टाइम नहीं बचा है, 90 दिनों का समय केवल बचा हो माय डियर, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझ लीजिएगा। 12 फरवरी 2021 को आपका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट के अंदर क्या बात कही गई, थोड़ा इसको ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो अब भी आपका कट ऑफ तैयार किया जाता है ना, मेरी बात सुनिएगा, कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करता है हमेशा। कट ऑफ एक तो पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, ठीक है, पेपर के लेवल पर। पहला एस्पेक्ट जो हम कवर करते हैं कट ऑफ निकालने के लिए, पेपर का लेवल कैसा था। अगर पेपर का लेवल हार्ड होगा
पेपर के लेवल अगर हार्ड हो गया तो कट ऑफ सीधी सी बात है डाउन हो जाती है। तो पहला तो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, और दूसरी चीज डिपेंड करती है कैंडिडेट पर, ठीक है, कैंडिडेट्स ने कितने ज्यादा अप्लाई किया हुआ है ना, कैंडिडेट कितने ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई किया, मतलब कैंडिडेट नंबर पर, ठीक है, कैंडिडेट की संख्या पर भी डिपेंड करता है। भाई बहुत ज्यादा कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सीधी सी बात है पढ़ने वाले ज्यादा हो गए, आपके कंपटीटर्स ज्यादा हो गए, तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। इसका एक और रीजन ये है कि अभी जो एग्जाम है, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एग्जाम फिर 2 से 3 पॉलियों में, जैसे इसके अंदर पेपर जो था आपका ये दो पॉली में कंप्लीट हो गया था, दो पेपर एक ही दिन के अंदर पेपर आपका 9 दिसंबर को कंप्लीट हो गया था 2020 का पेपर, लेकिन ऐसा 2018 का देखेंगे तो 3-4 दिन तक पेपर चलता रहा। तो डिपेंड करता है कि कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसके बेस पर भी कट ऑफ आपकी इधर उधर चली जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फिर एक फैक्टर आ जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, किसी पाली के अंदर जो है आपका पेपर टफ आ गया, किसी में थोड़ा सा डाउन आ गया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ इधर हो जाती है। तो मेन जो मुख्य कारण है कट ऑफ तय करने की वो दो होते हैं आपकी, एक तो आपका पेपर का लेवल कैसा है, और दूसरा कैंडिडेट ने अप्लाई कितना किया है। और ये कैंडिडेट अप्लाई करना भी डिपेंड करता है आपकी नंबर ऑफ पोस्ट पर, किसके अंदर, नंबर ऑफ पोस्ट पर। तो कहेंगे सर नंबर ऑफ पोस्ट पर थोड़ी डिपेंड करेगा, लड़के करने हैं आवेदन तो करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं अभी। अगर पोस्ट कम आती है तो एज कम्पेयर टू जो एप्लीकेंट है वो कम अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं कि यार 85 पोस्ट है, जैसे पिछली बार नॉर्मल से कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, ठीक है, नॉर्मल से कम स्टूडेंट ने अप्लाई किया था और पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा था, इसलिए कट ऑफ पिछले साल कम चली गई आपकी, ठीक है। तो एक रीजन ये भी होता है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कम अप्लाई किया है तो उस चीज पर डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा सा पीछे के एनालिसिस करके देखते हैं कि 2020 का क्या शेड्यूल रहा है, ठीक है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर इस बार 2022 के अंदर वैकेंसी तो सीधी सी बात है कि 3 साल बाद आ रही, तो वैकेंसी तो अच्छी खासी आनी है, वैकेंसी अच्छी खासी आनी है, और अगर वैकेंसी अच्छी खासी आ गई तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़ जाएंगे, ये भी बात सही है ना, नंबर ऑफ एप्लीकेंट। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ने का दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि और कोई एग्जाम नहीं है अभी पास में, और कोई एग्जाम भी तो नहीं है पास में। आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम थे वो रद्द हो चुके हैं, NHPC आपका रद्द हो चुका है, SSC JEE की डेट बढ़ चुकी है, RRBJEE का भी कोई पता नहीं है, और SSE मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी किसी जो एस्पिरेंट है ना, चाहे आप मध्य प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश के तो ऑब्वियस सी बात है कोई एग्जाम इंजीनियरिंग का नहीं है, MPPSC AE या सब इंजीनियर के अतिरिक्त, या इसके अलावा अगर छोड़ दें अपन तो SSC JEE का तो भरोसा नहीं, क्योंकि 23 में होगा, और जो UP SSC JEE वो भी अभी जस्ट हो जाएगा, इसके बाद स्टूडेंट्स खाली हो जाएंगे, तो मतलब यूपी के एस्पिरेंट भी भाग लेंगे अगर वो अप्लाई करवाए इस बार एप्लीकेबल होते हैं तो। और इसके बाद आप इधर बिहार के भी हो गए, ठीक है, और भी अदर स्टेट के। तो अगर इस बार वैकेंसी आती है थोड़ी भी ज्यादा वैकेंसी, 300-400 पोस्ट आ गई, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट प्रीवियस ईयर की अपेक्षा और अधिक बढ़ने वाले हैं इस बार, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है तो और अधिक बढ़ने वाले हैं। तो अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ गए, मतलब ये कैंडिडेट नंबर बढ़ गया, और कैंडिडेट नंबर बढ़ा और पेपर का, अब तो चीजों पर डिपेंड करेगा, अगर कैंडिडेट नंबर बढ़ गया तो कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है, कंपटीशन आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है भाई, तो कट ऑफ यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है, कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन अगर पेपर का लेवल टफ आ गया, पेपर का ये दो चीजों पर देखते हैं अपन, पेपर का लेवल और कैंडिडेट अगर ने ज्यादा अप्लाई किया और पेपर का लेवल भी कम है तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ आपकी कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ जाएगी, भाई पेपर का लेवल भी हल हुआ और कैंडिडेट ने भी ज्यादा, मतलब पढ़ने वाले ज्यादा, पेपर का लेवल हल हुआ तो कट ऑफ बढ़नी है, ठीक है, कट ऑफ बढ़ जाती है। तो आपने 2018 के अंदर देख लिया ये परिणाम, 2018 के अंदर कितना कट ऑफ गया था, 160 क्रॉस कर गया था, है ना, 160, क्योंकि उस बार एप्लीकेंट ज्यादा थे। अब लोग भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, एप्लीकेंट कैसे ज्यादा थे, दिखाता हूँ अभी, सब्र करिए, दिखाता हूँ मैं ये चीज, ठीक है। ऐसे ही अभी 2020 के अंदर क्या हुआ, 2020 के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट कम थे नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम हो गए। और जैसे नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम हुए, दूसरी चीज क्या हो गई, पेपर का थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गया, पेपर का लेवल भी हार्ड हो गया, तो क्या हुआ, आपकी कट ऑफ कम चली गई, कितनी कट ऑफ, 143 नंबर चली गई। अब लोग 143 कहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है। तो ये 143 चली गई, तो दो चीजों पर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है बाबू, ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली चीज क्या है आपका, पेपर का लेवल कैसा रहेगा। अब एक बात याद रखिएगा, जो पेपर का लेवल होता है वो हर साल इंक्रीज पे जाता है, ये कभी डिसेंडिंग ऑर्डर पे तो जाता नहीं, ये बात भी आप जानते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर पे कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2020 का पेपर है वो उससे तो हार्ड आएगा 2022 का पेपर, ये बात भी आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेपर का लेवल तो अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2020 का ही पेपर इतना अच्छा था, तो 2022 का पेपर उससे इंक्रीज, मतलब 20% आप इंक्रीज मान सकते हो, तो पेपर 2022 का और अच्छा जाएगा, है ना, 2022 का पेपर उससे थोड़ा सा हार्ड ही मानिए आप, तो 2022 का पेपर मतलब ये है कि पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है,
पहली बात होगी, पहला फैक्ट हमको समझ में आ गया ना, 2022 का पेपर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 2020 के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं भाई, 2018 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 20 का पेपर अच्छा था, ऐसे 16 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 17 का अच्छा था, 17 के रिस्पेक्ट में तो 18 का अच्छा था, समझ रहे ना, इसी तरह 18 के रिस्पेक्ट में 20 का अच्छा था, तो 20 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो 22 का पेपर भी इससे अच्छा होगा, मतलब पेपर अच्छा खासा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो पहली चीज समझ में आ गई कि पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है। दूसरी चीज, दूसरा हमारे पास क्या है कि वैकेंसी अच्छी खासी आनी है। रीजन क्या है वैकेंसी अच्छा आने का? रीजन ये है वैकेंसी अच्छी आने का, रीजन ये है क्योंकि 2018 के बाद ना तो 19 में आई है ना तो 20 में, 20 में आई है लेकिन वो संविदा पोस्ट थी, वो हर डिपार्टमेंट के अंदर नहीं थी, केवल एक डिपार्टमेंट में संविदा पोस्ट थी। तो अब वैकेंसी जो अलग अलग जैसे पीडब्ल्यूडी में खाली है, पीएचई में खाली है, अर्बन डिपार्टमेंट में खाली है, तो वहां भी वैकेंसी आएंगी, तो वैकेंसी की नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ने वाली है। मान लीजिए इस बार वैकेंसी 400-500 प्लस भी आ सकती है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इससे पहले 17 के अंदर 1000 पोस्ट आई थी, तो इस बार 500-700 पोस्ट भी आ सकती है। अब 16 में वैकेंसी आई थी, इसके बाद फिर 17 में 1000 वैकेंसी आई थी, फिर इसके बाद 18 में भी आई, इसका मतलब वैकेंसी तो आ रही थी। अब 19 में नहीं आई, 20 में संविदा आई, इसका मतलब है कि 21 में भी नहीं आई है, 21 में भी नहीं आई मतलब 22 में आ रही है। तो ये जो 4 सालों का गैप है, इसकी भरपाई भी करनी होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले लोग चाहिए ना, तो वैकेंसी तो अच्छी खासी आ सकती, हो सकता है 1000 के आसपास भी आ जाए, मिनिमम से मिनिमम कितना मानोगे, 300-400-500 पोस्ट तो आनी ही चाहिए। अब ये मैं अपना एक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये कोई फिक्स डाटा नहीं है, ठीक है, कल को अगर इससे ज्यादा जैसे कम आ जाए तो आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो भी प्रीवियस ईयर बता दिया आपको। तो इतनी वैकेंसी आ सकती है और आने की संभावना 100% है, आएगी ही आएगी, पिछली बार जैसे 10-50 पोस्ट तो नहीं आएगी, कंफर्म इस बार, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब इतनी जब वैकेंसी अच्छी खासी आ रही, इसका मतलब एक नंबर आप एप्लीकेंट इस बार बढ़ने वाले हैं, और उसका दूसरा रीजन ये कोई पेपर नहीं है आसपास, है ना, देख रहे 2022 के अंदर अभी जनरली कोई पेपर नहीं है आपका, तो ये 2000 नंबर आप एप्लीकेंट्स भी बढ़ेंगे, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यूपी बिहार वाले भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, एसएससीजेईई हट चुका है, एनएचपीसी भी कैंसिल हो चुका है। तो अब जो ये स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे एनएचपीसी की, जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे थे, उनका लगभग सिलेबस हो गया होगा, वो लोग भी अब आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, आपके सब इंजीनियर की तरफ, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होंगे और पेपर का लेवल भी हार्ड होगा। तो दोनों चीजें हैं, एक तो ठीक है, एक चीज यहाँ पे समझते हैं एनालिसिस को थोड़ा सा। पहली चीज क्या है, पेपर का लेवल हार्ड है, पेपर का लेवल क्या है, अच्छा खासा है, ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा खासा है। दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी अच्छे हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी अच्छे हैं, मतलब ज्यादा नंबर में अप्लाई कर रहे हैं लोग। अब लोग ज्यादा हो गए तो ये क्या करते हैं, ये कट ऑफ को बढ़ाते हैं, ज्यादा लोग पेपर दे रहे हैं मतलब ज्यादा तैयारी करने वाले हैं, तो ये कट ऑफ को बढ़ाते हैं। अगर पेपर का लेवल अच्छा है तो ये कट ऑफ को कम करता है, मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का, भैया नंबर आप एप्लीकेबल ज्यादा तो ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे और अधिक लेके जाएंगे कट ऑफ को, क्योंकि ज्यादा नंबर ये लोग लेकर के आएंगे, इनको सिलेक्शन होगा, मैंने कट ऑफ बढ़ेगी इनके जाने से। लेकिन अब पेपर का लेवल हार्ड आ गया, अब करो तो क्या होगा, ये नंबर कट ऑफ को क्या करता है, कम करता है। तो अगर दोनों को देखें तो ये बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, दोनों का इनवर्स का रिलेशन है। बढ़ाने वाले के में देख लें तो अपन देख सकते हैं 160 नंबर जो 2018 के अंदर, 160 मैं 165 मान लेता हूं भाई, बढ़ाने वाले जो कट ऑफ है ये 165 के अंदर अपन इसका रेफरेंस ले सकते हैं, 165 के आसपास कट ऑफ गई थी, 165 कट ऑफ गई थी, इसका रेफरेंस ले सकते हैं, किसका, नंबर ऑफ एप्लीकेंट अधिक अप्लाई किए थे कब, 2018 के अंदर, पेपर हलवा था तो बढ़ाने वाले तो इन्होंने कितना 165 तक बढ़ा दिया था कट ऑफ को। नंबर बात करता हूं मैं, इससे प्लस ही मान लो थोड़ा सा, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ता है, 170 मान लो, अगर पेपर 2018 जैसे रिवाइज हुआ तो 170 पहुंचा देते लोग कट ऑफ। अब देखो यहाँ पे पेपर का जो लेवल है ये तो ये बहुत अच्छा आने वाला है एज कम्पेयर टू 2018, उससे तो सीधा डबल ही मान सकते हो, इतना अच्छा आने वाला है, क्योंकि 2020 में बढ़ा फिर बढ़ेगा, समझ रहे हो ना, तो फिर बढ़ेगा मतलब अब ये क्या करेगा, इसको डाउन करेगा। तो ये डाउन जब किया था तो कितना लेके आया था, 143 पे लेके आया था ना, 143 पे लेके आया था 2020 के अंदर, तो इसने तो पेपर का लेवल अच्छा रहता 2143 तक लेके आ गया, पढ़ाएगा तो 170 तक, तो इनको अगर एक एवरेज वैल्यू के अंदर नापेंगे ना तो 150-165 ही मानो, 165-170 के बीच में, तो ये कम से कम 150 के आसपास जाएगा, 150 प्लस माइनस 5 मान सकते हो आप, बस ये कट ऑफ प्लस ही मानो इसको, चूंकि है ना आप 150 के अंदर ही मान सकते हो, 150 ही कट ऑफ मानो, 150 प्लस माइनस 5, दैट्स इट, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहने वाली है आपकी 2022 के अंदर। 150 माइनस की तरफ आप दो ही मानना, मतलब 145 से ऊपर ही जाना, मतलब 147-148 तक, ठीक है, और प्लस में आप चले जा सकते हो 155 तक। तो कट ऑफ आपकी इस बार एक्सपेक्टेड जो है वो 100
45 से लेकर के 155 के बीच वेरी कर सकती है जनरल कैंडिडेट की, जनरल कैंडिडेट की। ये किसकी है कट ऑफ? जनरल कैंडिडेट की। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं अभी ओबीसी कैटेगरी की, तो जो ओबीसी की कट ऑफ है ये जनरल कैटेगरी से 3 से 4 नंबर ही कम जाती है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, मैं भी दिखाता हूं तो फिर मैं समझ में आएगा ओबीसी की। ऐसे ही आपका अगर बात करते हैं अपन एससी की और एसटी की, तो अगर ओबीसी की मानता हूं, अगर मैं एक प्रेफरेंस मानता हूं कि हायर मान के चलते हैं अपन, अपने को तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए ना भाई, अपन इंजीनियर है तो अपन मान लेते हैं 155 नंबर कट ऑफ है, मान लेता हूं मैं ऐसे, तो जो ये सॉरी 155 नंबर जनरल की मान लेता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं जनरल की कट ऑफ मान लेता हूं 155 नंबर। तो सेम चीज अगर मैं ओबीसी कट ऑफ मानूंगा तो इससे थोड़ा सा कम मान लेना, 152 से 155 के बीच मान लेना, कितना मान लेना 152 से लेकर के 155, 152 ही मान लेना, ज्यादा कम जाती नहीं, ईडब्ल्यूएस से भी कम, ईडब्ल्यूएस से ही अधिक ही जाती है, ईडब्ल्यूएस कैसे कम चला जाता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का भी ओबीसी से कम चला जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो ये मान लो कि आप 150 के आसपास होने वाली है, 150 के आसपास मान लो, तो एससी का कट ऑफ भी, एससी का कट ऑफ थोड़ी बहुत कम जाता है, जैसे अपन पिछले साल के रिस्पेक्ट में देखते हैं भाई 143 कट ऑफ गया था जनरल का पिछले साल, दिखाता हूँ थोड़ा सब्र कर लो, 143 कट ऑफ गया था। और वही चीज अगर देखते हैं एससी का कट ऑफ, यार देख ही लेते हैं इसके बाद इस चीज, ये जो एनालिसिस मैं थोड़ा सा लास्ट में देता हूँ, ये आपने अंदाजा समझ में आ गया ना कहाँ कहाँ पे, थोड़ा अपन क्या है ना ऑफिशियल देख लेते हैं, आपको भी संतोष हो जाएगा, मैं भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, चलिए देख लेते हैं। देखो ये हमारे पास है क्या है, ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट है किसकी, 2020 की, देख रहे हैं आप इसका जो पेपर 9 दिसंबर को हुआ था, इस पे डाउट ना करिए, ऑफिशियल आपके सामने खुला है। इसके अंदर जो ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोग 18,000 लोग थे, पोस्ट थी 52, आवेदन किया गया 18,000, पेपर कितने दिए, पेपर दिए 11,832 लोगों ने, 11,832 लोगों ने पेपर में भाग लिया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, इतना चीज समझ में आ गई ना, 50 पोस्ट थी तब जाकर के 18,000 लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, 50 पोस्ट थी, समझ रहे हैं, और भी सिविल के 18,000 लोग हैं ये, और ये 18 के 18,000 लोग को सिलेक्शन तो नहीं हुआ, सिलेक्शन 50 लोग का ही हुआ होगा ना, ये 18,000 लोग फिर आने वाले हैं आपके सामने, ठीक है। एक बार फिर इसके बाद देख लेते हैं, ये सब बाकी चीजें लिखी रहती हैं, आगे देखते हैं अपन, ये कट ऑफ पे चलते हैं, ये देखिए ये रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। इस रिजल्ट में देखो आप, इस रिजल्ट के अंदर देखोगे टोटल मार्क्स जो थे, टोटल मार्क्स मतलब हाईएस्ट मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स एक नाम इनका क्या है, विकास, ठीक है, विकास कनेस, इनका रोल नंबर भी यहाँ पे विकास कनेस जी, ये एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेल है, ठीक है, और इन्होंने इंदौर से ही है, और इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए थे 149.78, 150 नंबर, ये कट ऑफ नहीं है, इसे कट ऑफ कृपया ना कहें, ये इन्होंने हाईएस्ट मार्क्स मतलब कोई जो बंदा जिसने सबसे अधिक नंबर पाया वो 150 नंबर था, नाम था विकास कनेश, ठीक है। इसके बाद आप नंबर इनके देख सकते हो इस तरीके से, तो हाईएस्ट नंबर हो गए। अपन चलते हैं कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, अपन चलते हैं, ये टॉप 10 की लिस्ट है, ठीक है, टॉप 10 जिन्होंने किया थे उनकी लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं कितने नंबर टॉप 10 के अंदर कितने नंबर आए, 147 नंबर वाले टॉप 10 के अंदर आए थे, ठीक है, और इसमें सारे शहर से ही लगभग, शहडोल जिला ग्वालियर वालियर से, तो टेंशन मत लीजिए, इस बार ना द सिविल पॉइंट के 10 दिखाई देंगे आपको यहाँ पे, ठीक है, द सिविल पॉइंट से क्या कमाल की तैयारी करते हैं यार इस बार द सिविल पॉइंट वाले, ठीक है, क्या ही बोलूं मैं, चलिए देखिए इस बार इसको देखिए, सब इंजीनियर संविदा बेस पे भर्ती थी, ये जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ो ना यहाँ पे, ग्रुप 3 रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है, ये क्लास, ये कट ऑफ लिखा हुआ ना, ये देखो कट ऑफ है, कितना कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी का, 143.85, ये कट ऑफ है 143.85, ठीक है। आपने बोला था कुछ लोग का डाउट रहता है एक्चुअल सीट कितनी थी, 28 आई थी, मतलब कितनी आई थी, 52 आई थी ना वैसे, फिर 53 में से 5 माइनस कर दिया गया था, 48 सीटों पे भर्ती हुई थी, वो 5 जनरल कैटेगरी की हटाए गए थे, पहले 28 जनरल की थी फिर 23 पे भर्ती हुई, देखो 5 माइनस है, जिनको डाउट रहता है वो थोड़ा सा ध्यान देख लें, ठीक है, ऐसा कमेंट आया था इसलिए बोल रहा हूँ, 23 सीटों पर भर्ती हुई थी, ठीक है, 23 सीटों पर। ऐसे ही फिर फीमेल की देख सकते हैं, फीमेल का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में फीमेल का कट ऑफ 133 नंबर था, 133 नंबर पिछले साल, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो अपने इस साल के कट ऑफ में प्लस कितना जोड़ना है आपको, प्लस 15 तो मान ही लेना, प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले प्लस 15 नंबर, या 10 से 15 के बीच मानते रहना, जितने भी जिनके कट ऑफ गए ना 10 से 15 प्लस करते जाना। देखो मैंने बताया ना जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार 155 के आसपास, तो 143 गई है तो 12 जोड़ लो, यानी कि 10 से 15 के बीच में जोड़ लो, 160 मान लेना, 155 से प्लस ही मानना, मतलब 155 मान लेना, 133 है तो प्लस 12 आप भी जोड़ लेना, मतलब आप 145 तक सोचना इस बार जितनी फीमेल वाले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिविल, ये क्या है, सब इंजीनियर, ये एससी कैटेगरी वाले हैं, एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट, सॉरी मेल कैंडिडेट हैं ये, ठीक है, एससी कैटेगरी के अदर मतलब मेल कैंडिडेट हैं, इनके अंदर देखिएगा इनकी कट ऑफ 139 गई हुई थी, 139, तो एससी में भी ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, एससी कैटेगरी वाले भी आप भी 139 से 149 का ही सफर रखिए,
ठीक है, इस बारे में मतलब आप भी अगर एससी कैटेगरी से हैं तो ज्यादा नहीं है। हाँ, फीमेल है अगर एससी कैटेगरी की, इनके लिए राहत की बात है, 120 नंबर कट ऑफ गई है, 120 नंबर। तो इस बार 130 तक ट्राई करिए, 130 से 135 तक आपकी कट ऑफ जाएगी, 130 से 135 तक एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगर सब इंजीनियर संविदा की एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की। एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 110 नंबर गई है। तो जो भी मेरी बहन एसटी कैटेगरी से हैं और फीमेल कैंडिडेट है, वो तो मेहनत कर ले, बस 110 और प्लस 12 और जोड़ लीजिएगा, 12 से 15 जोड़ लीजिए, 125 नंबर इतने लाने हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इतने लाने हैं सिलेक्शन आपका हो जाएगा, 125। ठीक है, इतने में आपका एसटी कैटेगरी की अगर फीमेल है आप, तो इतने में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सब इंजीनियर संविदा बेस में बात कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, वो तो आई है। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी में अदर मतलब जनरल कैंडिडेट की बात करूं मैं, 141 नंबर। देख रहे हैं, जनरल की कट ऑफ कितनी, 143, ओबीसी की कट ऑफ कितनी, 141, महज दो नंबरों का फर्क है, 2.4 समथिंग, ये 141.19 और ये 143.85, मतलब ऐसा मान सकते हो ढाई नंबरों का फर्क है, 2 पॉइंट माइनस कर लीजिए, 2.7 समथिंग कुछ। ठीक है, इतने नंबरों का फर्क है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप कितना मान सकते हो यहाँ से, आप मानिएगा कि मैंने 155 बताया ना, तो आप कितना मानिएगा, 2 माइनस करिएगा, 153 मानिएगा, मैंने बोला ना 12 प्लस करो यहाँ से, 12 का ही फार्मूला चल रहा है, देख रहे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, हर में सब में फार्मूला फिट हो ना, प्लस 12 करो, इसमें अंदर यहाँ पे देख लो माइनस 2, यहाँ पास 153, 153 आप लोग मान लेना अपनी कट ऑफ, इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, ये बॉर्डर लाइन पे रहोगे, यहाँ से खिसके तो सीधे गई गेंद है ना, कैच हो जाओगे, ये बॉर्डर लाइन है, कट ऑफ है, ये कट ऑफ मतलब होता है बॉर्डर लाइन, इससे ऊपर सोचो, इससे 15-20 ऊपर सोचना तब जाके सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो 153 तो कट ऑफ गई है, अगर आप परफॉर्म करने जाओगे तो 10 इससे ऊपर ही मान लेना, मतलब 160 की तैयारी करो कि ओबीसी वाले, जनरल वाले 165 की तैयारी करें। ठीक है, ये टारगेट रख के चले इस बार। इसके बाद बात करते हैं ये कौन है, बीएच, ठीक है, इनकी जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी, 112 नंबर गई थी। ठीक है, इसके बाद ये जो होते हैं आपके, ये हैंडीकैप वगैरह होते हैं ना, उनके लिए है ये, किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है तो उनके लिए एलडी, तो इनके लिए कितनी गई है, 107 नंबर गई है और 117 नंबर गई है। ठीक है, तो इनके भी कुछ कुछ सीटें थी, एक एक दो दो सीटें उनकी कट ऑफ गई है। तो आप अब यहाँ से चीजें समझ चुके हैं, यहाँ से अब चीजें आप समझ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अब चीजें आप समझ चुके हैं कि आपकी कट ऑफ कैसे जाती है। ठीक है, क्लियर डाउट ना, अब बताया ना मैंने, ये तो कई चीजों पर डिपेंड करता है, वैकेंसी कम थी तो फिर भी अप्लाई करने वाले कितने थे, वैकेंसी कम थी फिर भी अप्लाई करने वाले लोग थे 18,000 लोग। ठीक है, तो जाकर के कट ऑफ आपकी कितनी गई है, 143 नंबर। पेपर का लेवल भी हार्ड था, मैंने आपको अच्छे तरीके समझा दिया, एक और एनालिसिस दिखाता हूँ। चलो अब थोड़ा जो जिसका पेपर इजी था, जिसमें कट ऑफ बढ़ गई थी, उसका भी लेवल देख लेते हैं। अब चूंकि 2018 का कट ऑफ तो मेरे पास नहीं आया ऑफिशियल, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया, ये ऑफिशियल साइट पर इनके अवेलेबल आई थिंक नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, आपको अगर मिल जाए तो मुझे मैसेज कर देना, नीचे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा उसमें। ठीक है, पर मैंने बहुत ढूंढा, मुझे तो कट ऑफ की लिस्ट नहीं मिली, मुझे एक चीज मिल गई यहाँ पे, वो एक चीज क्या थी, डिटेल्ड एनालिसिस मिल गया इनका, कि इसके अंदर कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितनी पोस्ट थी। ठीक है, ये चीज मिल गई यहाँ पे, तो मैं दिखा देता हूँ, आप 13 नंबर पे आइएगा, सब इंजीनियर का पेपर कब था, 21/7/18 को था, 22/27/7 तक, सॉरी ये फॉर्म भरे गए थे 21/27/7 से। ठीक है, और आपका जनरल कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया था, ये देख रहे हैं, टेस्ट एडमिट कार्ड इतने इशू हुए थे, तो जनरल कैटेगरी में कितने इशू हुए थे, 19,900, अपने को यहाँ से डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट देखिएगा 55,000 एडमिट कार्ड इशू हुए थे, मतलब फॉर्म तो 55,000 से ऊपर लोगों ने भरा होगा, इसके बाद ना 55,000 भाई कुछ तो कैंसिल हो जाते हैं फॉर्म, यहाँ पे देखो रिजेक्ट फॉर्म 57 हुए थे, मतलब कितने 57 लोग, मतलब 55,000 लोगों ने फॉर्म भरा, ये समझ सकते हो, 57 और जोड़ लो 55,100 लोगों ने, किसके अंदर, 2018 के अंदर। वैकेंसी कितनी थी, वैकेंसी दिखाता हूँ मैं, ठीक है, 55,000 लोगों ने भरा, पेपर कितने लोगों ने दिया, पेपर लोग दिया था 45,000 लोगों ने, तो 10,000 लोग तो देने नहीं गए, अलाल टाइप के थे, गए नहीं पेपर देने, 45,000 लोगों ने पेपर दिया, इन 45,000 लोगों में से वैकेंसी कितनी थी, 548 सीटें थी, ये कंबाइंड वैकेंसी है, इसके अंदर सिविल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, सारी चीजें। ठीक है, तो 548 वैकेंसी के लिए परीक्षा दिया 45,000 लोगों ने, पेपर का लेवल इजी था, कट ऑफ चला गया 160 के पार चला गया, 45,000 लोग, मैं बताया ना जैसी वैकेंसी बढ़ेगी एप्लीकेंट सीधे आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे 2018 में इतने लोग थे, अभी मैं और दिखाता हूँ आपको, एक चीज और दिखाता हूँ मैं 2017 की समरी, आपको 2017 में भी इतने लोग थे क्या, बिल्कुल इतने ही लोग थे, देखो 2017 के अंदर देखो कहाँ पे,
ये है ठीक है। 15 नंबर पे देखो सब इंजीनियर लिखा है 2017 के अंदर, 27/7 को आया था इसका नोटिफिकेशन। और आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये टोटल कितने लोग, 62,000 लोग अप्लाई किए थे 2017 के अंदर। पता है क्यों, क्यों रीजन बढ़ गया, अप्लाई करने का रीजन क्यों क्यों ज्यादा हो गए। यहाँ पे देखो सीधा के देखो पोस्ट कितनी है, 1005 पोस्ट आई थी, 1005 पोस्ट आई थी, इसलिए 2017 में एप्लीकेंट बढ़ गए। बोले इतने लोग क्या एमपी के अंदर, नहीं ये एमपी के नहीं है इतने, इसमें आसपास के भी स्टेट, जैसे देखते ना कि अभी 1000 पोस्ट, अभी आप देखते हो 1000 पोस्ट राजस्थान जे में आई, आप सबने फार्म भर दिया, आधे लोग तो एमपी के वहां सेलेक्ट हो गए हैं राजस्थान ए के अंदर, है कि नहीं। तो जैसे आसपास के स्टेट वाले भरते हो ना आप जाकर, तो वैसे यहाँ भी आके भर देते हैं। तो ये 62,000 में आपके आसपास के स्टेट के बाद काफी सारे लोग आ गए, तो भाई साहब आपको तो मतलब ये कि आ गए ना आपके स्टेट के अंदर, वो भी जनरल कैटेगरी में, जो जनरल कैटेगरी उसके लिए तो इक्वल ही है भाई, जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं वो लोग आपके स्टेट में आके। तो मतलब ये आसपास के बहुत ज्यादा अप्लाई कर देते हैं अगर ये वैकेंसी ज्यादा आ जाती है। जैसे पिछली बार 52 पोस्ट थी, इसमें भी कुछ किए रहे होंगे आसपास के अप्लाई, कुछ यूपी वाले भाई हमारे बिहार वाले तो किए होंगे अप्लाई, ठीक है, फिर भी उतने ज्यादा नहीं थे, 18,000 लोग थे। कुछ लोगों ने पेपर देने नहीं गए, पेपर देने मतलब 13,000 लोग पेपर देने गए, तब जाकर कट ऑफ आप किया 143। तो इस बार देख रहे हैं 1000 पोस्ट ही तो एप्लीकेंट बढ़ गए। अब खुदा न खास्ता अगर इस बार पोस्ट, खुदा न खास्ता क्या आएगी, ठीक है कंफर्म है आएगी वैकेंसी, ठीक है। तो अगर वैकेंसी आपकी इस बार मान लीजिए कि 500 प्लस आ गई, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं, अगर 500 प्लस जब 18 में आई थी तो उस टाइम पे भरे गए थे कितने, 54,000 पोस्ट, 54,000 भरे गए थे, देख लो अभी भी देख लो। सारी चीजें देखो प्रूफ के साथ होती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि आप मैं बोल दो फिर आप बोलोगे कि नहीं ना करो मेरे ऊपर। ये देखो 55,000 लोगों ने फार्म भरा था, पेपर कितने 45,000 लोगों ने दिया था। अगर 20 के अंदर आए, 22 के अंदर आएगी तो 4 साल के और आ चुके हैं इंजीनियर, 4 साल के और इंजीनियर आ चुके हैं। ये 4 साल के चूंकि भरने वाले पता है, अभी आप खुद ही टारगेट बैच के अंदर देख लो, पता कितने जिनकी एज ऑलमोस्ट 35 के आसपास है वो भी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसका मतलब सबको जॉब चाहिए, सबका एक सपना होता है, बहुत सही जरूरी चीज है, अगर तैयारी तो भरना चाहिए, फॉर्म सबको भरना चाहिए, तो सब भी फॉर्म भरते हैं। तो इसका मतलब है कि जो 2018 में अप्लाई किया होगा वो भी फॉर्म भरेगा, 17 में जिसका नहीं होगा वो भी भरा होगा, 2010 तक के पास आउट भी फॉर्म भरेंगे, 8 तक के पास आउट भी फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस बार भी अगर 500 प्लस वैकेंसी आती है तो 17 में तो कितने फॉर्म भरे गए थे, 62,000 फॉर्म भरे गए थे टोटल। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली सिविल, सबकी बात कर रहा हूँ, कॉमन बात हो रही है। तो यहाँ पे कितना भरा जा सकता है फॉर्म, यहाँ पे मान लो कोई कम से कम 4 सालों के अंदर कुछ तो इंक्रीज हुआ होगा पॉपुलेशन, समझ रहे हो ना, इस बीच में तो लॉकडाउन भी था, जस्ट किडिंग, ठीक है, डोंट टेक सीरियस, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। तो इस बीच में, ठीक है, इस बीच में आप यकीन कर सकते हो 80-80 के मान सकते हैं, 20,000 इंक्रीज होंगे, 80 के फॉर्म अप्लाई करेंगे लगभग, मतलब नंबर आप एप्लीकेंट तो अच्छे खासे रहने वाले हैं, नंबर आप एप्लीकेंट तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इस पे नो डाउट है, नंबर आप एप्लीकेंट अच्छे खासे रहने वाले हैं, ये मैंने एनालिसिस से आपको बता दिया। एक एनालिसिस और दिखा दूं क्या, चलिए छोड़ो दिखाता हूँ, 16 के एनालिसिस उसको भी देख लेंगे अभी। नंबर आप एप्लीकेंट तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट, नंबर आप लेवल ऑफ पेपर क्या होगा, लेवल ऑफ पेपर डिपेंड करेगा प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर। तो 2020 का जो पेपर है इससे तो प्लस ही होगा, ये बात डन है। और कितने परसेंट प्लस होता है, तो अगर 18 के लेवल में 20 के देखें ना, तो 30% के आसपास प्लस था लेवल, ये हमने कनेक्ट एनालिसिस कर रखा है, टेंशन मत लो आप, बहुत एनालिसिस किया हमने इन चीजों पर, 20-30% के आसपास था, 25-30% के आसपास इतना लेवल इंक्रीज हुआ था इस बार क्वेश्चन के बेस पर। तो इस बार भी वही मान लो 25-30% मान लो, अभी अगर इतना ही होता तो मान सकते अपन 25-30% इंक्रीज करेगा, 25-30% इंक्रीज करेगा ना। आपका लेवल क्या जाएगा, पेपर का लेवल क्या जाएगा, और आपके मतलब लेवल हाई हुआ तो लेवल हाई क्या करता है, पेपर के कट ऑफ को कम करता है ना, लेवल हाई क्या करता है, पेपर के कट ऑफ कम कर देता है। तो यहाँ पे लेवल हाई हो गया मतलब पेपर कम करना चाहिए, मतलब ये तो चाहिए भाई कट ऑफ, अब पिछली बार 143 थी तो 143-140 के आसपास ही, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पास एप्लीकेंट बढ़े हैं, ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे, तो ये तो बढ़ा रहे हैं, एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, दोनों का अपन खींच के लाएंगे एक बराबर लेवल पर, भाई एक को बढ़ाना पड़ेगा एक को घटाना पड़ेगा, दोनों लेवल के लिए आएंगे 150 तक ठहरेंगे, है ना, 150 तक अपने, अब 150 तो मैं एक करेक्ट आंकड़ा इतना होना चाहिए कट ऑफ, इस बार थोड़ा सा बढ़ के 150 तक जाना चाहिए, लेकिन अपन हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी चलते हैं, तो अब इसमें क्या कभी कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकते थोड़ी बहुत इधर उधर, तो अपन मान लेते हैं कि प्लस माइनस 5 मान लो,
इतना कट ऑफ जा सकता है आपका 2022 के अंदर, यह फाइनल कट ऑफ है। अब जो लोग भी आपने देखा है ना, मैंने बता दिया आपको अपने जो भी 2020 के अंदर कट ऑफ थी उसमें आप 15 नंबर जोड़ लीजिएगा, कितने नंबर जोड़ लीजिएगा और उसके हिसाब से तैयारी करनी शुरू कर दीजिएगा। जो भी कट ऑफ रही है उसके अंदर आप 15 नंबर विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी जोड़ लीजिएगा और कट ऑफ अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यही कट ऑफ रहने वाली है 2022 के अंदर। ये है डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मेरा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। अब अगर आपके कुछ विचार हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं भी जो आपके विचारों को जरूर शामिल करूंगा। मैं हमेशा कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए तैयार रहता हूं। अगर आपके मुझसे अच्छे एनालिसिस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका नजरिया देखने का पेपर को मुझसे बेहतर है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। बट मेरा जो एनालिसिस है, जो मैंने इतना एनालिसिस किया पेपर को समझा, वो यही बताता है कि जो आपका कट ऑफ है वो 115 नंबर प्लस ही आसपास जाना चाहिए, 12 से 15 नंबर प्लस, तो मतलब 143 से 12-15 जोड़ लीजिए, 155 के आसपास कट ऑफ होनी चाहिए। अपन प्लस माइनस लेके चलते हैं, मतलब जो जनरल कैंडिडेट है उनको अगर तैयारी करनी है, जनरल कैंडिडेट वालों को, ठीक है, जनरल कैंडिडेट वालों को, तो उनको ये मान के चलना है कि उनका कट ऑफ 155 जाएगा। अगर जो ओबीसी वाले, अगर उनको तैयारी करनी है तो ये मान करके चले तो उनका कट ऑफ 150 जाएगा, 150-152 बन जाएगा। जो एसएससी वाले हैं वो ये मान करके चले कि उनका कट ऑफ 145 के आसपास जाएगा, और जो एसटी वाले हैं वो ये 145 से ऊपर ही मानना, आप लोग प्लस 3 ही मानना, 148-149 मानना, 48 के आसपास। और जो एसटी वाले हैं वो ये मान करके चले कि इनका कट ऑफ 140 के आसपास जाएगा, ठीक है, 140 के आसपास। और इसके अंदर जैसे एससी की जो जैसे इसमें फीमेल कैंडिडेट का भी कुछ है, तो फीमेल कैंडिडेट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये लोग अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लें, ठीक है, इससे अभी एक बार देख लो। फिर आप मुझे पूछोगे ना कि सर कितना कट ऑफ जाएगा, इसे देख लेना भाई लोग, ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से देख लेना। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसके हिसाब से तैयारी करना आप लोग। ये जो लिख दिया मैंने, जनरल के लिए 155, ओबीसी के लिए 150, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 140। कहें सर थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लो ना, इसके लिए तैयारी करो, क्या दिक्कत है, कम चला जाएगा तो आप ही का फायदा है, बट तैयारी इसके लिए करना है। अब तैयारी नहीं, ये तो कट ऑफ है, ये बॉर्डर लाइन है, इससे ऊपर के लिए सोचो, तो इसमें भी आप अपने हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से 10-10 नंबर बढ़ा के सोचना, ताकि पेपर में भी बहुत सारे इरर होते हैं ना, जिनको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन इरर बोलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से भी कुछ गलत स्टिक हो जाता है। आपसे 155 नंबर का बनता भी है ना, फिर भी एक आध गलत मार के ही आओगे, ठीक है, तो आप तो एक ये सोचो कि मेरे से बने 170 का, तो मैं सही सही जाके मारूं 160 का, ठीक है, तो जाकर के 155 तो आ ही जाए, ठीक है, मतलब उस पर तो दाग ना लगे, सीधी सी बात ये, तब जाकर के इस तरीके से आंकड़ा लगाया करो आप लोग। तो तैयारी कमर कस के करनी है, समझ रहे हो ना लेवल इस बार पेपर का, ये बात है बाबू लोग, ठीक है। तो ये एनालिसिस अभी समझ जाओ, अभी क्या टाइम है, बाद में टाइम निकल जाएगा, नहीं कर पाओगे तैयारी, क्योंकि पेपर का जो लेवल वो बढ़ चुका है, और पेपर का लेवल बढ़ चुका है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ चुके हैं, काफी सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, केवल ना केवल आपके मध्य प्रदेश की बल्कि आपके आसपास के भी राज्यों की, ठीक है, तो लेवल बढ़ चुका है। समय कितने दिनों का है, मात्र 90 दिनों का है। क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब आप ये बहाना नहीं बना सकते हो कि सर मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मैं कहाँ से तैयारी करूँ, मुझे प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहे, टेस्ट सीरीज नहीं मिल, सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, जो टेस्ट सीरीज को बोल रहे थे ना, बस वेट कर लें, 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को, मतलब जनवरी में हमारी तरफ से आपको न्यू ईयर का तोहफा मिलेगा। वो कब, क्या मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी 31 दिसंबर को, हमारी तरफ से न्यू ईयर का तोहफा रहेगा आपके लिए, ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा इसे। और बहुत अच्छा तैयार, और जितने एनालिसिस मैं आपको देता हूँ ना, मैंने टेस्ट सीरीज इसी एनालिसिस से बनाई है, जैसा टेस्ट मैं देता हूँ, यकीन मानिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट टेस्ट सीरीज से देखने को मिलेंगे, इतनी शानदार है। मिलेगा कहाँ पे, अभी भी आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप, इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, ठीक है, द सिविल पॉइंट का इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए, यहीं पर आपको अपडेट हम प्रोवाइड कर देंगे। नीचे आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, टाइम टाइम पर आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी, ये एनालिसिस है। हाँ, अब इतना चीज आप समझ गए ना, अब जो एससी की, ओबीसी की, जनरल की गर्ल्स हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट हैं, वो जानना चाहती हैं कि वो कट ऑफ कितना जाएगा, वो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग कितना जानना चाहते हैं, वो मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ये डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि सर कट ऑफ किसका कितना जाएगा, वो बात भी आपको ध्यान रखनी है, वो भी आपके मन में नहीं रहना चाहिए, ये शंका बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे देखो, यूआर का मतलब जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का फीमेल का कट ऑफ कितना गया था, 133 नंबर गया था पिछले साल, 100 कितना गया था, 133 नंबर गया था, प्लस मान लेना 10 नंबर,
मतलब 145 के लिए तैयारी करनी है, 145 मान के चलिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी की, वो 145 मान करके तैयारी करें, अपने हिसाब से थोड़ी अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा लें, उससे बेहतर क्या है, कट ऑफ आपकी 145 के आसपास ही जानी है, इतना ले आए अगर आप तो सिलेक्शन हो जाएगा, सोचना इससे ज्यादा का है, इससे प्लस 10 का सोचना है, क्योंकि इतना तो कट ऑफ है, ये तो बॉर्डर लाइन, मान लीजिए इससे कम आ गए, इतना ही सोच रहे हो कम आ गए, 140 पे अटक गए, फिर 5-10 नंबर से जब रिजल्ट बिगड़ता है ना, बड़ी पछताई लगती है, ठीक है, यकीन नहीं सोच नहीं सकते। एक लड़का जिसने फोन किया, उसके 2018 में 3 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, 3 नंबर से, कितना उसको 4 साल वेट करने के बाद अब इस बार वो फिर से पेपर दे रहा है, क्या पता उतनी तैयारी 4 साल में याद है कि नहीं है भाई, नहीं हो पाती कंटिन्यू, तो आप अटको ना। तो कुल मिला के ये कि आप पहले से 10 थोड़ा और पुशअप करो खुद को, खुद और मेहनत करो थोड़ा सा, 10 नंबर अधिक ही मानो, 155 को सोचो, 150 48 पे रुको, 45 पे सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसे खुद को बड़ा टारगेट दो, खुद को बड़ा टारगेट दो, क्योंकि 100% ना मशीन भी दक्षता नहीं होती, आप जानते हो ना मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, ये 100% किसी भी मशीन की इफिशियंसी नहीं होती, उसमें भी लॉसेस होते हैं, तो वैसे भी ह्यूमन का भी 100% इफिशियंसी नहीं होती, 145 मानोगे तो 145 सही नहीं होंगे, इफिशियंसी 100% नहीं होती, रोबोट थोड़ी, और रोबोट भी उसकी भी नहीं होती है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा 10 ऊपर मानना, 5-7 गलत भी हो गए तो भी सही जगह में आकर के रुकोगे, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी, फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, अगर मैं एससी कैटेगरी, ये तो हो गया एससी कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है, इनका 120 गया था, आप लोग 10-12 प्लस मानिएगा, 135 के लिए तैयारी करिएगा, 135 के आसपास, 130-132 कट ऑफ जाएगा आपका, 135 मान के तैयारी करिएगा एससी कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। अगर दूसरी बात करूं मैं, ठीक है, दूसरी बात करूं मैं एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ 110 नंबर गई थी, आप लोग भी 15 प्लस मानिएगा, 125 के लिए तैयारी करनी, इतनी कट ऑफ जाएगी, किससे ज्यादा नहीं जाने वाली, 125 में आप अगर 125 ले आते हैं ना, 100% सिलेक्शन होना है, तय है आपका, 125 नंबर किसका, फीमेल कैंडिडेट का एसटी कैटेगरी की, ठीक है, एसटी कैटेगरी की जो बहन है उनका 125 नंबर बेस्ट है स्कोर है, 125 से प्लस ही सोचिएगा, बट ये 125 अगर ले आते हैं, मैं हरदम बोलता हूँ एक चीज, ये तो आपको लाना है, ये बॉर्डर लाइन मानिए इसको, कटाफ, ये कटाफ है, इतना लाना ही लाना है, इसमें भी आप अपना ह्यूमन एरर वगैरह जोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो इसे थोड़ा सा 5-7 ऊपर ही सोच के चलिए, ठीक है, जितना मैं ये बता रहा हूँ इससे 5-7 ऊपर ही सोच के चलो, ठीक है। तो ये हो गई ओबीसी कैंडिडेट की, अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी का तो मैंने बता दिया यहाँ पे, देख सकते हो 141 10-12 आप भी जोड़ लेना, और ओबीसी कैंडिडेट की एक चीज और रह गई बस, ओबीसी कैंडिडेट की फीमेल कैटेगरी, तो ये फीमेल कैटेगरी और जनरल की फीमेल कैटेगरी में ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, ये 133 है अगर इनका, तो आप मानिए कि वही आपका भी 100 कितना जाएगा, 132 चला जाएगा और क्या है, ठीक है, एक दो नंबर के आसपास रहता है, वो भी अपने हिसाब से जनरल कैटेगरी के आसपास ही अपने को समझें, ठीक है। और हाँ, जो लोग हैंडीकैप हैं, जो लोग किसी प्रकार से दिव्यांग हैं, उनकी अलग सीटें आती हैं, उनके लिए कट ऑफ कैसी जाती है, तो उनके लिए भी थोड़े से राहत रहती है कट ऑफ के अंदर, उनका तो और कम के अंदर 112 नंबर, ठीक है, ये दिया हुआ है, और 107 नंबर, 107 नंबर भी गया हुआ है, 117 नंबर, ये अलग अलग डिसेबिलिटी के बेस पर होती है, ठीक है, तो इनका देख सकते हैं आप, इनकी भी कैटेगरी के हिसाब से, ओके, तो इनको देख सकते हैं, ठीक है, इनके बीच पर आपका आप देख लीजिए, इनके हिसाब से आप 10-12 नंबर प्लस करके अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ओके माय डियर, ये देखिए 48 सीट पर हुई थी आपकी टोटल भर्ती पिछले बार, ये है इस तरीके से, ये मेरा कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, अब कट ऑफ से रिलेटेड आपके मन में डाउट नहीं बचेगा, तो जो मैंने बताया है इसे अपना माइलस्टोन समझिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको अपना माइलस्टोन समझिए और लिख के चिपका दीजिए दीवारों पर, और जैसे अर्जुन ने लगाया था निशाना, वैसे निशाने लगाने के लिए करते रहिए प्रैक्टिस, जी जान लगा के प्रैक्टिस करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, यूट्यूब पर भी हम लगातार कंटेंट दे रहे हैं आपको, रात के 7:30 बजे से लेकर के और 10:30 बजे तक, ये हमारी दो क्लासेस, एक तो हमने जीके का एनालिसिस लगा रखा है, इसी के अंदर जीके की क्लासेस भी चलेंगी, और एक आपका राय गुप्ता एंड गुप्ता, जिससे भी क्वेश्चन आ रहे थे हमने टारगेट बैच के अंदर एनरोल करवा रखा था बहुत सारे लोगों को, हम चाहते हैं सिलेक्शन 100% हो, इसलिए कहीं पर कमी ना छोड़े, क्या बहुत सारे स्टूडेंट खुद से एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, जॉब करते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो हमने इनके लिए एक एफर्ट और लगाया है, अपने आप को और पुशअप किया है कि गुप्ता एंड गुप्ता का भी सोल्यूशन हम ही करवा के देंगे, अब वो भी डिटेल सोल्यूशन, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन अब देखने को मिले, तो ये प्लस प्रीवियस ईयर पेपर प्लस आपका यूथ के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन, पूरे तो नहीं करवा रहे, थोड़े बहुत करवा के दे रहे हैं, और साथ में कॉन्सेप्ट, और इसके बाद भी टेस्ट सीरीज में भी आपके 3000 क्वेश्चन होंगे, टेस्ट सीरीज के अंदर भी 3000 क्वेश्चन है, 40 मॉक टेस्ट है, 3000 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है, सब इसके अंदर सारी चीज इंक्लूडेड है, सब्जेक्ट वाइज है आपका, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज है, और आपका फुल मॉक टेस्ट भी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3000 क्वेश्चन ये है, इतना करने के बाद ना यार बता रहा हूँ ना, आप
जब एग्जाम देने जाओगे ना फोड़ के आओगे, बता रहा हूँ ना, जो अभी आपको लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है ना, या अभी कौन सी गई लिस्ट, ये 2020 वाली लिस्ट देखने को मिल रही है, ये जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं इनमें आपको देखना सिविल पॉइंट के 10 देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं बोल रहा कि 10 के 10 ही मिल जाएंगे, बट ये कि रैंक इसमें भी लगनी तय है, ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले बहुत सारे हैं और हमारे और भी एजुकेटर्स भाई लोग जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम किसी की वो नहीं करते, बट ये कि हम अपने तरीके से अपना 100% दे रहे हैं, हम अपने तरीके से कहीं पर कमी नहीं छोड़ रहे, और इसके अंदर आपको हमारे टारगेट बैच से बहुत सारे स्टूडेंट देखने को जरूर मिलेंगे इस बार। ओके, सो ये था कंप्लीट एनालिसिस। और हाँ, एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा जब मैं लेकर के ही आया हूँ, मैंने मेहनत की है तो आप देख ही लीजिए, ठीक है, 2016 का भी मैंने एनालिसिस रखा हुआ है, इसे भी देख लीजिए एक बार, आइडिया रहे, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। 2001 मिनट, सब इंजीनियर की वैकेंसी कहाँ पे, इसमें नहीं आई थी क्या, आई तो थी 2016 में, मेरे को तो नहीं दिख रहा ये, हाँ मिल गया मिल गया, पांचवें नंबर पे देखिएगा, ठीक है, पांचवें नंबर पे देखिएगा 2016 में कितने पोस्ट थे, कितने लोगों ने, 54,000 लोग 2016 में भी अप्लाई किए थे, ठीक है, वही रिटेन होकर के 17 में भी आ गए, वही आते फिर ऐसे बढ़ते जाते हैं यार, भरते जाते हैं फॉर्म, ठीक है, तो ऐसे ही 54,000 लोगों ने अप्लाई किया था, वैकेंसी 625 थी, 625 में 54,000 लोग, ठीक है, 2016 के अंदर, 2016 के अंदर, ठीक है, तब जाकर के आपका पेपर कितने लोगों, 43,000 लोगों ने दिया था, मान सकते हैं इस बार 80,000 लोग आसपास फॉर्म भरेंगे, इस बार यकीन मान इतने लोग फॉर्म भरेंगे, 1,00,000 भी जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आसपास के स्टेट वाले और जागरूक हो चुके हैं, ठीक है, रीजन भी ये है कि SSCJ इस बार नहीं, बहुत सारे लोग अब डिमोटिवेट हो चुके हैं SSCJ की तरफ से, सो इस बार सब इंजीनियर, ये एक अच्छा मौका है, तो मैं बोलता हूँ जो लोग MP से हैं वो लोग तो जी जान लगाते हैं इस बार, ठीक है, किसी प्रकार का भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, ठीक है, किसी प्रकार का भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं 10 Civil Point ऐप पर। और हाँ, एक स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर ये है कि आज जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, आज मतलब अब इस ऑफर को, अब चूंकि वीडियो तो आप अभी देख रहे हो, ठीक है, वीडियो आप अभी देख रहे हैं और वीडियो आप देखने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो ऑफर आपका एंड हो सकता है, तो इस ऑफर को हम 1 डे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, 1 डे एक्सटेंड करेंगे, 1 डे एक्सटेंड करेंगे, और ये कल 27 तारीख को, ठीक है, 27 दिसंबर को 12 AM मतलब 12 बजे रात तक, ठीक है, 12 बजे रात तक ये अप्लाई रहेगा, ठीक है, अप्लाई रहेगा ये ऑफर आपका, इस कूपन कोड को हम एक दिन के लिए एक्सटेंड करेंगे। इसके अंदर आपका क्या चीज़ है, ठीक है, इसके अंदर चूंकि इसमें तो लास्ट ऑफर लिखा हुआ है, बट अभी चूंकि क्या वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, सो आप लोग तुरंत तो वीडियो को देख करके नहीं जा पाएंगे, सो मैंने एक दिन के लिए इसको और एक्सटेंड करने का फैसला किया है। इसके अंदर आप जाकर के अब आपको मिलने वाली जितनी चीजें मैंने बताई हैं, कंप्लीट कोर्स टेक प्लस नॉन टेक का, साथ में कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ में कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता का सॉल्यूशन, वो भी करवा के दे रहे हैं, साथ में कुछ यूथ कंपटीशन टाइम के भी क्वेश्चन, साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो हम साथ में प्रोवाइड करेंगे, और जितनी चीजें पढ़ा रहे हैं ना, ये चीजें आपके कोर्स से रिकॉर्डिंग, वीडियो लेक्चर, ये सारी लाइव होंगी, और लाइव क्लास के बाद आपको लाइव क्लास का PDF फॉर्म पे मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ बीच में कि आप सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो हम लॉन्ग नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम वेस्ट अपना मत करिए, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो ये चीजों पर हम अपना काम करते हैं, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का। जो लोग ये बोलते हैं सर आपके जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनका क्या करना है, तो जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उनके वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएंगे द सिविल पॉइंट ऐप पर, उनको देखिए, कहीं पर डाउट आता है, 3 चीजें अवेलेबल है, पहली चीज तो चैट की सुविधा अवेलेबल है ऐप के अंदर, दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, तीसरी चीज कॉल करके भी पूछ लीजिए, अगर हमारी फैकल्टी फ्री है वो डेफिनेटली आपका आंसर करेंगे। ओके, तो ये 3 फैसिलिटी है, कोई पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है, ये नंबर है हमारे 9179417400, ये नंबर है, या कि 9340888429, इन नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सअप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्लासेस करनी है। बाकी जो लोग हमारे से यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं उनके लिए तो हमारे पास ऑफर है ही, वो लोग हमसे ऑफर के तहत जुड़ सकते हैं, और सॉरी है, जो लोग YouTube पे जुड़े हैं उनके लिए तो हमारी क्लासेस चल रही है 7:30 से, बहुत अच्छी क्लासेस चल रही है, आपकी बहुत प्यार मिलता है YouTube के अंदर भी, तो वहाँ पर भी हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, टिल एंड तक वो चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, गुप्ता एंड गुप्ता कंप्लीट हम YouTube पर ही करवाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम करवाएंगे, और आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये ऑफर क्या है, ऑफर के अंदर आपको आज कंप्लीट कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ये हमारी तरफ से आखिरी डिस्काउंट है आपके लिए, आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी जा रही थी इसके लिए हमने ऑफर रखा हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आखिरी चांस है, बहुत कम फीस के अंदर हमने ये रखा हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी स्टडी को और एक गति दे सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी गति दे सकते हैं, गाइडेंस हमारा रहेगा, स्टडी मटेरियल हमने प्रोवाइड करना है,
बस मेहनत आपको करनी है और इस बार सिलेक्शन ले लेना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है और छोड़ नहीं सकते हो आप, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है सब इंजीनियर के अतिरिक्त, ठीक है। तो जी जान लगाइएगा, कहीं पर भी कोई समस्या आती है ये हमारे नंबर से कॉल बैक कॉल कर सकते हैं। 20% का डिस्काउंट है, ऐप के अंदर जाएंगे आपको ये हमारा ये बैनर दिख जाएगा, इसी पे क्लिक करिएगा। कैसे कैसे करना है, कोई भी जानकारी चाहिए कि इस पे कर सकते हैं या कि डायरेक्टली चीजें दिख जाएंगी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कट ऑफ के अंदर आपको जो भी चीजें जहां पर भी डाउट था वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं, अब सारे काले बादल आपके छट चुके हैं जो भी आपके डाउट थे, ठीक है। बहुत सारे डाउट आपने पाल के रखे थे, कट ऑफ पे बनाइए कट ऑफ पे बनाइए, तो ये एक मेरी तरफ से डिटेल्ड एनालिसिस है कट ऑफ का। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक एक बार शेयर जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा अपने विचार बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार करूंगा आपकी रिप्लाई का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।